अरे भाई साहब मेरे सब्सक्राइबर को मुड़ो तुमको क्या कर, थैंक यू मेरे छोटे छोटे सब्सक्राइबरों, बाय। यहाँ से 5-7 किलोमीटर यहाँ से दूर जहाँ पे हम लोगों को जाना है, लेकिन वहाँ के लिए गाड़ी लगी नहीं रहती है, वहाँ के लिए 2 पल में गाड़ी मिल जाती है, लेकिन अभी मिल नहीं रही है। यहाँ पे एंट्री भी हम लोगों की हो चुकी है, बस अब हम लोगों को अपना ठिकाना ढूंढना है। तो ये मिली है दोस्तों हमारे डिलैक्स रूम से। लाइफ में तो हमने ऐसे ग्राउंड में कभी खेला नहीं, क्योंकि हमारी किस्मत में नहीं है। हम ऐसे जगहों से बिलोंग करते हैं जहाँ पे केवल सीढ़ीदार खेत है, जहाँ पे केवल ब्याह है, और हमारा जो भी होता है उस ब्याह पे होता है। चैनल का नाम क्या आपका? DDA ब्लॉग्स। DDA ब्लॉग्स दोस्तों जरूर जा करके देखिए एक बार, बाकी तहलका मचने वाला है कल से। हाय हेलो नमस्ते गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होंगे, हम भी एकदम बढ़िया है। और एक मस्त से इस मौसम के साथ एक नए ब्लॉग की स्टार्टिंग हो चुकी है। मौसम देखो बहुत क्लीन है भाई आज, मतलब आज के हमारे इस काम के लिए बहुत बेहतरीन मौसम है। तो कल मैं आप लोगों को बोल रहा था ना कि कल हम कहीं जा सकते हैं, अगर किसी कारणवश अगर कैंसिल हो गया तो वो अलग बात है, नहीं तो हम कल कहीं निकल रहे हैं। और निकल रहे हैं, अभी देख सकते हैं आप लोग, हम रेडी हो चुके हैं और आज हम निकल रहे हैं देवली बगड़ नंदप्रयाग, जहाँ पे कि पर्यटन विभाग द्वारा जो राफ्टिंग है वो सिखाया जा रहा है। 5 दिन की ट्रेनिंग है, तो वहाँ पर आज हम लोग जा रहे हैं और 5 दिन तक हम वहाँ पर राफ्टिंग सीखेंगे। दरअसल हमको एडवेंचर बहुत ज़्यादा पसंद है, वो चाहे ट्रैकिंग हो चाहे किसी तरह का कुछ भी एडवेंचर हो, तो आज हम वहाँ पे जा रहे हैं। मौका मिल रहा है क्योंकि बहुत लंबे टाइम से घर ही पे हूँ, थोड़ा सा माइंड फ्रेश करने के लिए थोड़ा घर से बाहर जाना भी ज़रूरी है कि नहीं। तो 2-4 दिन उधर रहेंगे, 2-5 दिन दिखाएंगे आप लोगों को किस तरह से, क्योंकि आज तक कभी राफ्टिंग करी नहीं है, स्विमिंग करी नहीं है, वहाँ पर स्विमिंग करने का मौका मिलेगा, राफ्टिंग करने का मौका मिलेगा, तो ये चीज़ करने के लिए हम जा रहे हैं। धीरू भाई उधर पर रेडी हो रखा है, दुर्गेश भाई सबसे पहले रेडी हो रखा था, लेकिन दुर्गेश भाई का भी कैंसिल हो चुका है। ओ दे दो इसी को, दे दो एक। तो दोस्तों पैकिंग वगैरह मेरी, पैकिंग वगैरह क्या होने यार, थोड़ा बहुत कपड़े वगैरह चाहिए थे, तो कपड़े वगैरह अपने पैकिंग हो चुके हैं, ये देखो। अब इसके बाद हम निकलेंगे, धीरू भाई मिलेगा हमको उधर पे, बाकी एक हमारा जीतू भाई है वो गोपेश्वर में है, तो वो हम उसको चमोली से पिकअप कर लेंगे और वहाँ से हम 3 भाई लोग निकलेंगे। तो दिखाएगी आप लोगों को कि आगे क्या क्या कुछ होता है, ठीक है? तो बने रहिए आप हमारे साथ ब्लॉग में। तो फिलहाल अभी हम घर से निकलते हैं और आप भी निकलिए हमारे साथ घर से। चलो ठीक है भाभी जी, वाह ठीक है दादी। हाँ मैं बाजार। हाँ भाई हीरो। मिलिए दोस्तों हमारे धीरू भाई से। भाई साथी तो साथी होता है, कहीं भी जाओ वो साथ रहेगा, लेकिन एक भाई ने आज हमको बहुत धोखा दिया है और वो हमको कल से चुभ रहा है यार, क्योंकि उसी भाई ने हमको रेडी करवाया था कि भाई हमको वहाँ जाना है। उसको हम लेबर पे दिखाएंगे, काम के साइड पे दिखाएंगे उसको। अब उसको काम के साइड पे दिखाएंगे 5 दिन के बाद वापस आ करके। तो चलो दोस्तों अभी हम निकल रहे हैं, धीरू भाई और मैं है यहाँ से। अब तीसरा जो बंदा मिलेगा हमको चमोली पे मिलेगा, बाकी हमको अभी जोशीमठ तक जाना है। वैसे आज संडे है और उम्मीद है कि गाड़ी मिल जाए धीरू भाई सबसे पहले, क्योंकि संडे को कम गाड़ियाँ निकलती है, तो गाड़ी जोशीमठ तक निकल जाए। जोशीमठ के बाद कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ से एक दूसरी गाड़ी पकड़ेंगे सीधे चमोली नंदप्रयागी के लिए पकड़ेंगे। वहाँ से अगर बस बस मिलेगी, नहीं बस मिलेगी ठीक है, नहीं तो वहाँ से गाड़ी तो मिल ही जाती है, टैक्सी वगैरह। बाकी चलो बने रहिए हमारे साथ इस 5 दिन के ब्लॉग में, 5 दिन के सफ़र में, बाकी हम तो सीखने के भूखे हैं। और राफ्टिंग इस तरह की चीज़ें जो हमने आज तक करी नहीं है, अगर वो चीज़ सीखने के लिए मिल जाए तो क्या चाहिए। क्यों धीरू भाई भले पता नहीं क्या होगा, बहुत डर बहुत ज़्यादा लग रहा है। अब गंगा में आज तक कभी गए नहीं, अलकनंदा में जाना है भाई एकदम। चलो देखते रहेंगे, यही तो मजा है, यही तो एडवेंचर है या लाइफ ही कुछ ऐसी है, लाइफ बनानी पड़ती है कुछ ऐसी है धीरू भाई। और जिंदगी झंड है, लाइफ झंड है, लेकिन इसको और झंड बनाया जाए वो तो क्यों। तो चलो बने रहिए आप। तो दोस्तों अभी 10 बज चुका है, हम लोग जोशीमठ पहुँच चुके हैं। समस्या वही भाई, गांव से गाड़ी नहीं मिली, गाड़ी मिली लेकिन सवारियां नहीं हुई। तो चलो फाइनली जोशीमठ पहुंच चुके हैं, थोड़ा भूख लग रही थी नाश्ता वगैरह हो करके। अब हम लोग निकलेंगे यहां से चमोली के लिए। क्यों धीरू भाई अभी हमको दिव्यांशु भाई मिला, ठीक है? दिव्यांशु भाई बोला तुम कहां जा रहे हो? बस हमने कहा राफ्टिंग करने, सुन का नाम कर दिया। बल हाँ, हमने कहा क्या होता है उसमें? बल उसमें कुछ काम होता है भाई, बड़ा जबरदस्त आदमी है, मैंने उसको कहा ब्लॉग में देखना तो पता लगेगा राफ्टिंग क्या होती है। तो चलो ये अभी जोशीमठ में मार्केट में अभी कुछ इस तरह का माहौल है, और अब आप लोगों को सीधा मिलेंगे चमोली में जित्तू भाई के साथ, ठीक है? उसको वहीं पे बुला के रखेंगे ना, वो जो फिशर में। तो बने रहिए आप लोग। अरे भाई साहब मेरे सब्सक्राइबर को मुड़ो तुमको क्या करे। नमस्ते आंटी जी, ये देखो दोस्तों ये हमारे फैन, हमारे सब्सक्राइबर आपकी भाभी।
हाँ उनके भी देखते हो। थैंक यू मेरे छोटे छोटे सब्सक्राइबरों, बाय। क्या अच्छा क्या जुला क्या है राफ्टिंग? हाँ। राफ्टिंग हुआ है। हाँ। नाव तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं, नाव है। हाँ। और जुला सही सही रास्ते जा रहा है अभी। अरे वो ला अभी कौ पूछ क्या तू नाला पूछ के कौ अभी तो देन बोलियो जो काम कर वन बजे काम भाई या दोन दोन भी तुम्हारा ग्रुप ची जगह तुम दोन दो दोन जा सका तेरा राफ्टिंग में और राफ्टिंग हां भाई सर जब तुम चार पांच के ग्रुप हो तो दोन बाकी ने सु कुनमा सुनियो खट खट कर जाए। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी, और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। दोस्तों अभी थोड़ा सा मतलब नाव इसने बोला नाव से अब थोड़ा सा 50% समझ गए क्यों, लेकिन अभी वो 50% नहीं समझे कि वो बोल क्या रहा है। 8-10 लोंडे इकट्ठे हो करके भाई भाई पांच तक तो करते ही करते हो साथ में। अरे कहना क्या चाहते हो? नहीं तो तुम डूब नहीं जाएंगे। दौड़ने वाला बोल रहे जो तू दौड़ने वाले यार उसका मीनिंग वही होता भाई, तुम जो नाव में पानी में चलते है उसको मतलब दौड़ना। से ज्यादा कुछ बोलो छोने भाई ये पेपर कैसे जा रहे पहले ये बता। दोस्तों 12 का बोर्ड का विद्यार्थी है और बहुत लंबे टाइम से इससे मिला भी नहीं था। अब बता पेपर कैसे जा रहे, पास होने की उम्मीद है? अरे बिल्कुल यार, मतलब टॉप कर रहे हैं इंटर कॉलेज में? अरे बिल्कुल कर रहे हैं यार। पेपर हो गया। चलो दोस्तों फिलहाल अब हम यहाँ पे गाड़ी पकड़ेंगे। दूसरी बार मिल गया, एक बार उधर मिला जब हमने वीडियो नहीं बनाया था, उस टाइम पे बोल रहा था राफ्टिंग कुछ काम करना होता है, उस टाइम पे भी यही पूछा था। अभी पूछा वही, अभी पूछा वही। तो चलो दोस्तों फाइनली चमोली भी पहुंच चुके हैं और जित्तू भाई अभी तक पहुंचा नहीं है। हम ना पीपलगोटी पहुंच रहे थे, उससे पहले हमने जित्तू भाई को फोन कर दिया था कि भाई तू चमोली पहुंच जा, लेकिन वो भाई अभी तक पहुंचा नहीं है। वो बोल रहे कि अभी गाड़ी में भी नहीं बैठा, गाड़ी मिल नहीं रही है, उस भाई का इंतजार कर रहे हैं। और थोड़ा सा हम लोगों को यहाँ से कपड़े वगैरह लेने थे, लेकिन आज संडे है और संडे को रहता है मार्केट बंद जोशी मठ की तरह, तो यहाँ पे भी समस्या आ गई। अब जहाँ पे हमको जाना है क्या पता वहीं मिल जाए नंद प्रयागी में, नहीं तो ऐसे काम चलाना पड़ेगा। कपड़े बांधो भाई, कपड़े तो बहुत ज़रूरी है भाई। हाँ कपड़े तो बहुत ज़रूरी है क्योंकि कपड़ों ने भीग नहीं है, राफ्टिंग करनी है तो कपड़े भीगेंगे ही भीगेंगे, तो उसके लिए कपड़े ज़रूरी है। चलो हो जाएगा कैसे करके भी, पहले भाई का इंतज़ार करेंगे। है बाकी देखो दोस्तों अभी हम चमोली पे हैं, ऊपर साइड चलो एक तो दुकान दिख ही रही है, वहाँ पे भी ट्राई करते हैं क्या पता मिल जाए। टॉवल वगैरह चाहिए हमको, ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, बाकी कपड़े वगैरह हम लोगों ने ले ही रखा है। चल यही है रास्ता। हाँ भाई रो कहाँ है भाई हैं? और कैसा है? ये देखो दोस्तों अब तीन भाई हो चुके हैं, अब यहाँ से सीधे निकलेंगे। बाकी इस भाई को भी थोड़ा सामान वगैरह लेना होगा, ये भाई भी ले लेगा। ले लिया हमने, ले लिया क्या लिया? क्या लिया? टॉवल लिया, चप्पल वगैरह लिया, बाकी क्या लिया था। चलो दोस्तों नंदप्रयाग भी पहुंच चुके हैं, लेकिन यहाँ पे आते ही जो समस्या हम लोगों को लग रही थी वो समस्या आ चुकी है। यहाँ से 5-7 किलोमीटर यहाँ से दूर जहाँ पे हम लोगों को जाना है, लेकिन वहाँ के लिए गाड़ी लगी नहीं रहती है, वहाँ के लिए दो पल में गाड़ी मिल जाती है, लेकिन अभी मिल नहीं रही है। तो 3:30 बज चुका है, 1.5 घंटा हमारे पास बचा हुआ है, मतलब 5 बजे हमको वहाँ पर पहुँचना है। बाकी यहाँ पर बच्चे लोग क्रिकेट खेल रहे थे तो हमने कहा चलो थोड़ा यहाँ पर देखते हैं। बाकी अब शायद मुझे लग रहा है कि पैदल ही निकलना पड़ेगा, यहाँ 5-7 किलोमीटर है। धीरू हाँ जी तो भाई कोई बात नहीं, रेडी है लड़के, कोई दिक्कत नहीं है, बीच में क्या पता कोई मिल जाए गाड़ी, उसी का इंतज़ार करेंगे। बाकी चलो थोड़ा मैच देखते हैं, मिल तो जाएगी यार, वैसे ऑन रोड पे है। लेफ्टी ओ बेटी आउट 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 यार। भैया प्लीज़ रोक दो। तो चलिए दोस्तों फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं, मतलब जैसे ही आप लोगों के साथ बात चल रही थी ना उसके तुरंत 1 मिनट के बाद
वहाँ पे एक हमको गाड़ी मिल चुकी थी और फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं और यहाँ से हम लोगों को नीचे जाना है। भाई साहब अगर नहीं मिलती ना गाड़ी तो धूप इतनी तेज़ है, गर्मी इतनी ज़्यादा तेज़ है, हमारी बहुत ज़्यादा फटने वाली थी। बाकी जो लड़के लोग हैं ये लोग वहीं से आ रहे हैं, इनका जो कैंप है वो शायद समाप्त हो करके वो वहाँ से निकल रहे हैं। भाई जी कैंप से आ रहे हो तुम, कितना दूर है यहाँ से? 5 किलोमीटर पैदल? मत बोलो यार इतना। हाँ ठीक है, थैंक यू मेरे भाई। चलो दोस्तों थोड़ा सा नीचे पे, 5 किलोमीटर बोल रहे लेकिन पैदल पैदल शॉर्टकट से आइए। ये वाला ना, ये देख लो राफ्टिंग कैंप देवली बगड़, तो यहीं हम लोगों को जाना है। चल बढ़िया, अब जाएंगे आराम से रिलैक्स होकर के, क्योंकि अभी 3:30 बज रहे हैं, अभी मतलब 10-15 मिनट में हम वहाँ से यहाँ तक पहुँचे। हाँ कहाँ पे? सही बोल रहा है, ये देखो दोस्तों ये नदी के साइड अलकनंदा के बगल पे आप लोगों को कैंप वगैरह कुछ दिख रहे होंगे, तो वहाँ पे हम लोगों को जाना है, वहाँ पे हमारी एंट्री होगी अभी और उसके बाद देखो क्या कुछ होता है, ठीक है? बाकी लोकेशन तो बड़ी ज़बरदस्त है यार, लगी रहा फील्ड वहाँ पे। ये तो इधर आ जा, दिख तो कुछ नहीं रहा, आ जा। तो चलो दोस्तों जहाँ पे कैंप साइड है वहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं, यहाँ पे एंट्री भी हम लोगों की हो चुकी है, बस अब हम लोगों को अपना ठिकाना ढूंढना है कहाँ पे हम लोगों को खाली मिल सकता है। हाँ जी खाली है भी इधर कोई? इधर खाली है इनमें से कोई? तो ये मिलिए दोस्तों हमारे डिलैक्स रूम से। भाई साहब बड़ा रिलैक्स मिल रहा है अभी यहाँ पे बैठ करके, दरअसल बाहर ना गर्मी बहुत ज्यादा है, अंदर भी तो, और अंदर तो ज्यादा ही गर्मी है भाई। अब चलो कोई दिक्कत नहीं, ठिकाना हम लोगों को मिल चुका है, अब फर्स्ट क्लास रेस्ट करेंगे, फॉर्म वगैरह भरने भी हमारा थोड़ी देर में, बाकी रजाई की जरूरत लगी देर देते है देंगे कम्बल देंगे क्यों दे। चलो दोस्तों फाइनली डेस्टिनेशन पे हम लोग पहुंच चुके हैं और इसके बाद जो प्रोग्राम वगैरह होगा वो आप लोगों को पूरा दिखाया जाएगा जितना हो सकता है, क्योंकि राफ्टिंग रूफिंग का तो हम देख नहीं सकते हैं, वहाँ पे कैमरा अलाउड रहता है नहीं, खासकर फोन देखते हैं, अगर वो भी खुद ही देंगे तो वो देख लेंगे, बाकी फिलहाल अभी थोड़ा हाथ मुँह धोते हैं, थोड़ा घूमते हैं चारों तरफ, थोड़ा माहौल देखते हैं आज, शायद कल से टाइम मिले ना मिले। चप्पल वगैरह हम लोग ला के आ रखे हैं, पैंट ट्राउजर तौलिया सब कुछ ला रखे हम, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी गर्मी बहुत ज़्यादा है यार बेटी, हद से ज़्यादा नहीं, क्योंकि हम यार पहाड़ी आदमी थैंग गाँव से यहाँ पे आ रखे उतर ठंडे इलाके से इतनी गर्मी में, तो हम लोगों को तो कुछ ज़्यादा ही गर्मी लग रही है भाई। ये देख लो दोस्तों लोकेशन देख लो आप लोग, बिल्कुल बगल पर अलकनंदा बैरी है और उसके बगल पर हम लोग, बाकी अंदर का वो देखिए पूरा, हम जैसे लड़कों के लिए हम जैसे लोगों के लिए ये बहुत ज़रूरी था, जी तो भाई गोबर डाल के परेशान हो गया था, हम लेबरी करके परेशान हो गए थे, तो हमको बहुत जल्द एक इसी तरह के लोकेशन की ज़रूरत थी कि ऐसा लोकेशन मिल जाए, तो वाह बाकी ये देख लो दोस्तों अब कल से रहेंगे हम इस अलकनंदा के बीच में, कोई कहीं पर फंसा हुआ कोई कहीं पर फंसा हुआ, कहाँ पर? चलिए दोस्तों हम लोगों को क्या चाहिए, अभी क्रिकेट भी खेल रहे बगल पर, भाई लोगों ने हमको बुला दिया है, बाकी हम लोग जा रहे हैं क्रिकेट खेलने, शायद भाई लोग भी जा रहे होंगे। चल अब 5 दिन क्रिकेट ही खेलेंगे भाई, क्रिकेट खेलना है क्रिकेट के टाइम पे, बाकी जिस काम के लिए आए हैं वो भी करना ही है, बाकी अभी भाई लोगों से मिलेंगे बहुत अच्छे तरीके से। हेलो भैया कैसे हो, चलो क्रिकेट खेलने। ये देख लो दोस्तों ग्राउंड देख लो, मेरे भाई लोगों मेरे बहनों मेरी माताओं मेरे खेल प्रेमियों में सबसे पहले हमारे क्रिकेट जो प्रेमी है, ये ग्राउंड देख लो भाई साहब, अपनी लाइफ में तो हमने ऐसे ग्राउंड में कभी खेला नहीं, क्योंकि हमारी किस्मत में नहीं है, हम ऐसे जगहों से बिलोंग करते हैं जहाँ पे केवल सीढ़ीदार खेत है, जहाँ पे केवल ब्याह है और हमारा जो भी होता है उस ब्याह पे होता है, जहाँ पे डंगियाँ डंगियाँ, तो आज ऐसा मिल रहा है कुछ खेलने के लिए, अब देखते हैं चलो खिलाएंगे तो हम भी खेलेंगे, वैसे उन्होंने बोला 5 दिन खेलना है क्रिकेट और दब के खेलना है। बाकी ये देख लो दोस्तों 6 बजने वाला है और अभी यहाँ पे ना धूप है भाई, हमारे यहाँ पे अभी धूप निकल करके अब मतलब साग सब्जी की तैयारी स्टार्ट हो जाती है धीरू भाई, 5 बजे हमारी छुट्टी होती है, अब हमारा वॉलीबॉल का टर्न स्टार्ट हो रहा है, वो भी घर जाने बैठ गए होंगे घर वाले दुर्गेश भाई लोग, धोखेबाज लोग फोन कर रहा था अभी। बाकी दोस्तों पिछले 1-1.5 घंटे से हम यहाँ पे खेल रहे हैं, बहुत मज़ा आ गया यार कसम से, मतलब इससे ज़्यादा क्या चाहिए यार,
कल राफ्टिंग के लिए भी मिलेगा 5 दिन, और इस तरह से शाम को खेलने के लिए भी मिल रहा है क्रिकेट मस्त ऐसे इस सुंदर से इतने ज़बरदस्त ग्राउंड में, तो क्या चाहिए इससे ज़्यादा। ये देखो कुत्ता। बाकी धीर भाई उदास तो नहीं लग रहा? कोई दिक्कत नहीं है ना? बिल्कुल शांत माहौल है भाई, बहुत ज़बरदस्त वाला, जो हमको आजकल चाहिए था भाई। कि थोड़ा बहुत थक चुके यार गांव में काम करते करते हैं धीरू भाई। इससे ही मज़ा नीचे वो फील्ड के लास्ट कॉर्नर पे जाके बैठ के ना, जबरदस्त वाला वो चबूतरे में उधर गंगा जी को देख करके अलग नंदा देख करके। बाकी अभी यहाँ पे जीतू भाई खेल रहा है, थोड़ा जीतू भाई की बैटिंग देख लो आप लोग। ये नॉन आजा भाई, तू जानता तो नहीं है, तू सीधा क्यों आए यहाँ पे हैं? ये देखो दोस्तों, मतलब आते ही दोस्त बन गया यार ये। ओए ओए ला आजा, क्या नाम है तेरा? ओ दानी, ओ कुत्ते, व्हाट्स योर नेम? मुंह खोल। क्या आपके मसूड़ों में तकलीफ है? क्या आपके टूट पे से नमक है? चल जी तू छक्का, चल जी तू छक्का, तू समझा? हाँ नहीं तू समझा नहीं। ओ तो आप लोगों ने तैरने के लिए सीखा सर? है नहीं सर उधर तैरने लायक, नहीं सर जोशीमठ साइड है ना, नदी में पानी इतना नहीं था, उधर छोटे छोटे गधेरे हैं, ऐसी नदियां नहीं है सर। चलो ठीक है यार, बेसिक्स ये है कि आप जब यहाँ से बाहर निकलेंगे तो पूछ के निकलेंगे। यस सर, ठीक है, ओके सर। ये देखो दोस्तों, लड़के लोग लटक चुके हैं अपने अपने बिस्तर में, हमने ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि भाई साहब पूरे दिन भर का जितनी भी जिम्मेदारी यहाँ की थी होगी सारी इन्हीं पे थी होगी। यहाँ देखो धीरू का तो कुछ नहीं, लेकिन जीतू ने तो पूरे मजे ले लिए भाई यहाँ की कसम से, पूरे 2 मैच खेले भाई वो भी 12-12 ओवर के। बाकी दोस्तों अभी पूरा इन्होंने हमको बता दिया क्या कुछ करना है, रूल्स रेगुलेशन सब बता दिए हैं, और कल से जो मेन कार्यक्रम है वो स्टार्ट होगा कल सुबह 7 बजे फॉल इन्होंने पीटी के लिए, और उसके बाद कल का जो दिनचर्या है कल से किस तरह से चलेगा वो आप लोगों को भी पता चल जाएगा। थोड़ा सा इंतजार है खाने पीने का, क्योंकि भूख भी लगी है, और देखते हैं किस तरह का खाना मिलता है यहाँ पे। फ्री का है भाई, कुछ भी मिले खाना तो हम लोगों ने है ही। एक प्रॉब्लम है वो निकालने के लिए पर्याप्त जगह नहीं है। तो चलो दोस्तों थोड़ा सा इंतजार करेंगे, अभी वीडियो एडिट नहीं करेंगे हम लोग, थोड़ा सा खाना वगैरह खाएंगे, देखेंगे खाने में क्या कुछ है, उसके बाद ठीक है थोड़ा वीडियो एडिट करते हैं। तब तक थोड़ा थकान भी बहुत ज्यादा लग गई यार। ये मिली है दोस्तों इस धोखेबाज इंसान से, जिसने कि ये प्लान बनाया था, लेकिन मैं नहीं चाह रहा था कि मैं इससे ढंग से बात भी करूं, लेकिन चलो कोई बात नहीं यार, माफ कर देना चाहिए। क्यों? हम जैसा ये है वैसा तो हम बनेंगे है नहीं, और ना हम इसके जैसा बनना चाहेंगे। इसने इस भाई को भी हम मेरे को भी तैयार किया कि भाई वहां जाना है, लेकिन मेन टाइम पे इस भाई ने धोखा दे दिया कि मैं नहीं आ रहा हूँ। ये प्लान बने थे दोस्तों। अभी रात का 8:30 हो चुका है, और हम लोग निकल रहे मैच के लिए खाना खाने के लिए। चलो दिखाएंगे आप लोगों को क्या कुछ व्यवस्था है खाने पीने की। बाकी हमारे चोड़े हैं यार, कुछ तो कुछ ना कुछ भी मिले हमने खाना ही है। ओए हाथ धो गए ले तुमको कसम से, तुम तो यहीं पे धोखा देने लग गए, खाने पीने में धोखा दे रहे हो, तुम तो आगे साथ दोगे तुम। चल आ जा भाई जी, फोन चार्ज करने के लिए भी इधर है ना, आ जा आ जा। लगा ले, तू भी लगा रहा धीरू, चार्जर नहीं लाया? दो यार दोस्तों, मैच था यहाँ पे हम लोगों का, खाना वगैरह होगा, डिनर वगैरह होगा, जो कुछ होगा ठीक है। बाकी हमारे सारे भाई लोग हैं, आप लोगों को कल मिलाएंगे बहुत अच्छी तरीके से भाई लोगों से। क्यों भाई लोगों? अभी सारे लोग आए पहुँचे नहीं है यहाँ पे, बाकी चलो इंतजार करेंगे सभी का, सारे मिल करके खाएंगे। ब्लॉगर और भी है इनमें कोई? अरे यार देखो ना दोस्तों, आते ही कॉलैब हो गया भाई जी से। अच्छा चैनल का नाम क्या आपका? डीडीए ब्लॉग्स दोस्तों जरूर जा करके देखिए एक बार, बाकी तहलका मचने वाला है कल से सीधे गंगा जी के नीचे, मतलब अलग नंदा में तहलका मचेगा। दो ब्लॉग आएंगे ठीक है, बाकी जितना ज़्यादा दिखाना हो सकता है आप लोगों को दिखाएंगे। बाकी चलो पहले तो अभी खाना वगैरह खाते, थक भी बहुत ज़्यादा लग गया आज, आराम भी चाहिए। जीतू भाई कैसा लग रहा है आपको? फीलिंग गुड लग रहा है? सैड
वेरी सैड दुर्गेश भाई, मुझे पता है तू बहुत ज़्यादा मिस करेगा और तू मिस करते रहे, क्या कर सकते, तेरे पे मौका था, तू आए नहीं क्यों? तू धीर भाई बैठ लेना, मिले दोस्तों हमारे सारे भाई लोगों से जितने भी इधर से आ रहे हैं, बहुत सारे ब्लॉग मैन के लिए इंटरेस्टेड रहते हैं, कोई नहीं रहता है, जो रहते हैं उनके लिए बहुत बढ़िया, जो नहीं रहते उनके लिए बहुत बढ़िया, अपनी अपनी चॉइस है। तो चलो दोस्तों फाइनली हम लोगों का डिनर भी हो चुका है, हाई भी पाई गई है, हाई भी मिल चुकी है, अब ये भी मिल चुका है, इसके बाद कोई बर्तन नहीं मिलेगा, अब इसी बर्तन में तीन टाइम काटना है आगे, अब चलो अपने बर्तन बर्तन संभालो, बैगन दौड़ दो कसम से, बिस्तर के अंदर तो बिस्तर के तो हम यो थोल थे यो थोल मंजीत जेवन हमको गमछा मिले ना, इनको ऐसा करते हैं। चलिए दोस्तों अब आप लोगों को सीधे कल मिलेंगे राफ्टिंग के साथ, कल के स्टार्टिंग के साथ, कल के मतलब दिन के स्टार्टिंग के साथ, ठीक है? तो चलो फिलहाल अभी ब्लॉग पे ही पेंट करते हो, उम्मीद है कि आप लोगों को शेयर कीजिए, और अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, तब मिलता है आप लोगों को एक और नए मजेदार ब्लॉग के साथ, जय हिंद बाय बाय।